इतना प्रेशर मेरे ऊपर बोर्ड के टाइम पे पढ़ने का नहीं था जितना तुम लोगों ने सिमल सिमड़ा हिंदी को रोस्ट करने का बना दिया है। अरे मतलब कैसे रोस्ट कर दूं उसको, उस बेचारे ने किया ही क्या है, कुछ बददिमाग लड़कियों के दिल की चोरी, अब कुछ आड़ी भेड़ी लड़कियों के दिल का लंगड़ा राजकुमार वो है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, पागल हो गए तुम, पागल भी तुम्हारे लिए हूं राज, आई लव यू, यू क्रेजी, आई हेट यू बट आई लव यू। बोलो कौन सी तारीख पक्की करते हो शादी की। ये वही लड़कियां हैं जो पनीर की सब्जी से पनीर निकाल के फेंक देती हैं क्योंकि इनको पसंद ही सिर्फ कचरा है। और सिमल सेमड़ा हिंदी जी को देखिए बोल रहे हैं बीवी से प्यार करता हूँ, कौन सी वाली से वो भी तो बता दो बिचारी को। बाकी मुझे तो ये समझ नहीं आता है सिमल सेमड़ा हिंदी इंसान है या थूकी हुई चिंगम, कहीं भी चिपक जाता है, किसी से भी चिपक जाता है। और लड़कियां भी अजीब है, क्या पता कैसी खिंची चली आ रही है इसके प्यार में। अर्ज किया है कि अगर खुश रहना है तो मत पड़ो प्यार मोहब्बत के लेमड़े थेमड़े में, कि अगर खुश रहना है तो मत पड़ो प्यार मोहब्बत के लेमड़े थेमड़े में, और इन निब्बियों को ना जाने क्या दिख जाता है इस अजीब से सिमल सेमड़े में। जब बेइज्जती है मेरे को तो बेचारी रानी के लिए बुरा लगता है, बेचारी वो वीडियो ही बनाती रह जाएगी, और ये सिमल सेमड़ा हिंदी उस चांदनी को चौथी पांचवी बीवी बना लेगा अपनी, और इस फटे हुए दूध के खट्टे पनीर को अगर कोई कमेंट में सच बोल दे तो इसको बुरा भी बहुत लगता है। वाओ, ताली बजना चाहिए इस कमेंट के, नेक्स्ट बीवी चांदनी बनने वाली है। वाओ, अरे वाह, मुझे भी बुलाना भाई शादी में पनीर खाने। उसने अभी तक अपनी शादी में किसी को एक मूंगफली नहीं खिलाई, पनीर क्या खिलाएगा। भाई जाता है मंदिर में शादी करके आ जाता है, ना पनीर ना दावत। ये चांदनी कौन है, ये कौन है चांदनी, कौन है जो नेक्स्ट बीवी बनने वाली है। अरे थांबा, मैं बताता हूँ कौन है चांदनी, मैं बताता हूँ। ये मिस चांदनी। अच्छा, ये चांदनी, आई लाइक यू। चुल्लू भर दिमाग है नहीं सिमल सेमड़े में, तीन तीन शादी करके बैठे हैं। चुल्लू भर दिमाग है नहीं सिमल सेमड़े में, तीन तीन शादी करके बैठे हैं। ये प्यार मोहब्बत को बदनाम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें निब्बा निब्बी कहते हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने अपना बचपन गलत जी लिया या फिर इसके में कुछ गड़बड़ी है। मेरे बचपन में मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्रिकेट खेलूं या पेन फाइट, और फिर मैं दोनों खेल लेता था। और इसको भी समझ नहीं आता कि इससे शादी करे या उससे, तो ये दोनों से कर लेता है। और फिर इस मन लुभावने कोमल हृदय वाले पतिदेव के लिए पत्नियों की लड़ाई भी होती है। इसको अभी पता नहीं है गलत आदमी के साथ मजाक कर रही है, वो मजाक में तीन चार शादी कर चुका है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम दोनों दूल्हा दुल्हन के कपड़े में रील्स बनाते हुए पाए जाओगे। तो सिमल सेमड़े भाई ऐसे क्या देख रहे हैं, बंदर की पूंछ पे चिपके हुए दीमक, ऐसे क्या देख रहे हो, इतना सुंदर लड़का कहीं देखे नहीं हो क्या, कहीं नजर लग जाएगा तो उतना गौर से देखो नहीं हमको, क्योंकि ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हम ही पैदा हुए थे। मेरे भाई सिमल सेमड़े, तुझे नजर लगाने में नजरें अंधी हो सकती है, तुझे नजर नहीं लग सकती, और मेरी प्यारी साबुन सोम कुमारी, अगर तुम इतनी ही सुंदर हो तो एटलीस्ट नहा के बैठ जाया करो, नहा के तक तो बैठता नहीं है और खुद को हूर का परा समझता है। चलिए मान लिए मेरा फेस बहुत गंदा है, लोगों को जैसा दिखता है ऐसा बोलता है। अरे नहीं भाई, ऐसा गंदा वंदा नहीं बोल रहा है, ना नक को बिल्कुल नहीं, पर थोड़ा बहुत नहा धो लिया कर, मतलब अगर साबुन से रगड़ लेगा, नॉर्मल वाला ना मिले वो नीला वाला कपड़े धोने वाला रिन, उससे रगड़ लिया कर। पर मुझे लगता है इसको शादी करने से ही फुर्सत नहीं है, नहाएगा कैसे बेचारा। ऐसे लोग पैदा होते हैं जब डॉक्टर तो बोल देता है खुशखबरी हुई है, बाद में पता चलता है कि कितना दुख झेलना बाकी है। बाकी ये खुशी की और दुख की खबरें छोड़ो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक एक्साइटिंग खबर। पॉकेट ब्रोकर, हमारा और आपका सबका फेवरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका 7th बर्थडे आ गया है, और गेस व्हाट, ये अपने 7th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत बड़े गिव अवे के साथ। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, तो इमेजिन कीजिए $1 million का बड़ा सा प्राइस पूल आपके ग्रैब करने के लिए, तो ये कोई आम बात नहीं है। तो अपने कैलेंडर में डेट मार्क कर लीजिए, क्योंकि 28 मार्च से 28 अप्रैल तक गेम चालू है। तो चलो जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। हर $50 के डिपॉजिट पे आपको मिलेगा मौका एक टिकट जीतने का, और प्राइजेस वो तो कमाल के। हम बात कर रहे हैं स्लीक राइड, जैसे कि टेस्ला, साइबर ट्रक, पोर्श मैकान, टॉप ऑफ द लिस्ट एप्पल गैजेट्स, और ढेर सारा कैश। और यही नहीं, आप अपने टिकट को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम कंडीशन को मीट करके, और बूम, यू आर इन द रेस। और एक सीक्रेट बताऊं, आप जितनी ज्यादा टिकट एक्टिवेट करते हो उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके जीतने के। मेरा कूपन कोड रजत पी यूज करें और 60% डिस्काउंट पाएं। और अगर आप बड़ी प्राइस नहीं भी जीतते हैं तो यहाँ पर 25,000 से ज्यादा प्राइस प्लेसेस हैं, जैसे कि $1,000 तक आपके अकाउंट बैलेंस में रिस्क फ्री ट्रेड, या फिर आपके डिपॉजिट पर 100% तक का बोनस जीत सकते हैं, है ना आइसिंग ऑन द केक। तो आपको किस बात का इंतजार है, इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से ना जाने दें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, गिव अवे में पार्टिसिपेट करें, और पॉकेट ब्रोकर का बर्थडे स्टाइल में मनाएं। बर्ड, मेरे मां ने मुझे जैसा जन्म किया है और मैं जैसा दिखता हूं
मेरे माँ के आगे सही दिखता हूँ इतना ही काफी है, दुनिया मुझे क्या बोलता आई डोंट नो फर्क। अरे थाम्बा थाम्बा बट बटाबट, माँ ने बिना पढ़ा लिखा जन्म दिया है तो कम से कम पढ़ाई लिखाई तो कर ले, स्कूल चला जा मेरे भाई है। आई डोंट नो पढ़ता फड़क डोंट केयर, क्या पता क्या क्या बोलता रहता है। सही टाइम पे स्कूल गया होता तो एटलीस्ट पता होता कि खुद को सही साबित करने के लिए जो बोल रहा है वो भी गलत इंग्लिश में बोल रहा है। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, लो अभी भी मैंने फिल्टर वाला वीडियो बना रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग का फेस टट्टी है, गंदा है, कीचड़ है, नाली है। सबसे पहले तुम अपना अपना फेस में झांक के देखो तुम्हारा फेस किस किस्म का है, उसके बाद यहाँ पर आके बोलना। समझ में आया ना? ठीक है भाई, सब समझ गए। कोई सिमल सेमड़ा के फेस के बारे में बात नहीं करेगा, हरकतें इतनी गंदी है इसकी उसके बारे में बात कर लो, फेस में क्या रखा है। बाकी तो बेचारा वैसे भी खुद को सेमड़ा मान ही चुका है। हम दोनों में ऐसा कौन सबसे ज्यादा क्यूट है कमेंट करो, ये खेबड़ी वाली या मैं सेमड़ा वाला। एक तो महाराज आप खुद पूछेंगे अपने फेस के बारे में, फिर कोई बता देगा तो आपको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाएगा। बाकी इस बुझी गैस की खाली टंकी ने खुद को सेमड़ा मान लिया, मैं तो उसमें ही बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया सेमड़े। गाइस मैं अभी पी रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, आप लोग कोल्ड ड्रिंक का नाम कभी सुने हो? नाम तो सुने होगे भी नहीं। अरे हाँ भाई, ये कोल्ड ड्रिंक तो हमने पहली बार सुना, हमारे यहाँ तो इसको उगा बुगा काला बगुगा बोलते हैं। क्योंकि ये किस्मत वालों को मिलता ही ऐसा कोल्ड ड्रिंक, देख सकते हो पेप्सी। आप लोग पीते होगे बियर सियर, मैं पर मैं पीता हूँ पेप्सी। अगर ये किस्मत वाला है तो मुझे बताओ कौन से पत्थर से अपनी किस्मत फोड़ लूं। ऐसी किस्मत की लकीर होने से अच्छा आदमी चिकनी हथेली लेके पैदा हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो खुद को किस्मत वाला मान रहा है, कल को केक खाने मिल गया तो गधे के ऊपर बैठ के खुद को दुनिया का राजा घोषित कर देगा। बाकी ये किस्मत वाले केचुए के शौक भी बहुत अजीब है, रानी का पाद बाहर आ रहा है तो रोक दो उसको, मत आने दे बाहर। और हम क्या करें भाई, रानी का पाद बाहर आ रहा है तो ढूंढ ले तू। और क्या लिखा है, रानी का पाद देखकर आज हम बहुत खुश हुए। माना छोटी छोटी चीजों में इंसान को खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए, पर तू जिस जगह पे अपनी खुशियां ढूंढ रहा है वो सही जगह नहीं है मेरे भाई, बदबूदार है तेरी खुशियां। और ये पाद देखकर कौन खुश होता है भाई, और ये पाद पदोड़ा दिखने कब से लग गया तुझे पदोड़ू? ठीक है पार्लर जा। तो फ्रेंड्स चलो फाइनली सिमल सेमड़ा ने मीडिया वालों को कुछ नई खबर दे दी, वो लप्पू सचिन से आगे बढ़ पाएंगे हैं। पादी पादी चिट्ठी लिख दे प्रधानमंत्री को, नासा वालों पे खबर पहुंचा दे कि एलियन ने पाद मार दिया। अरे भाई इंसान की बॉडी में गैस बनेगी तो कहीं से तो निकलेगी, क्या पूरी की पूरी वीडियो डेडिकेट कर दी पादी पादी। क्यों झूठा इल्जाम लगाते हो, कितना सुंदर दिख रहा है, नजर उतार दो ना, देखिएगा क्या सुंदर दिख रहा है, सच में सुंदर दिख रहा है, मजाक नहीं कर रहा, सुंदर दिख रहा है। अभी पदोड़ों का विषय चल रहा था, अभी वो उसको सुंदर लगने लग गई। भाई इंसान हो क्या, हो स्टैंड फैन हो, इतनी जल्दी कैसे इधर उधर हो रहे हो, इतनी जल्दी तो मेरे सपने में टॉपिक चेंज नहीं होते, इतनी जल्दी कैसे टॉपिक चेंज हो रहे हैं तुम्हारे। उसने पाद दिया तो वो उसको सुंदर लगने लग गई, कैसा प्रेम है ये, बदबूदार प्रेम है। और इसकी एक बड़ी बहन भी है गुड्डू सोरेन, और बड़ी वाली है, एटीट्यूड क्वीन है वो, सूट कर रही है परिधि बोरी, अनकंफर्टेबल अंडशंड केवल, अंधे की टेबल, घोड़े अस्तबल, सब बोल दे बस अनकंफर्टेबल मत बोलना। सही टाइम पे स्कूल गया होता तो बोलना आता आज, पर नहीं तुझे तो शादियां करनी थी, अब बोलता रहे दिन भर अंधा कंधा केवल एवल डेबल, क्या पता क्या क्या। अनकंफर्टेबल लग रही है दीदी बोल रही है, अरे खुला टांगरी कैसे बैठी है देख रहा, खुला टांगरी कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर दीदी किसकी है, सिमल की, ऐसे हार थोड़ी ना मानते मेरी जान, अभी तो शूट होगा, ऐसा लग रहा है कभी खुशी कभी गम की पू की आत्मा घुस गई इनके अंदर, एटीट्यूड क्वीन में। सामने कीजिए थोड़ा, अगला मॉडल तो सिमल सेमड़े की बहन सेमड़ी ही बनेगी, मेरे को तो पक्का यकीन हो गया, एटीट्यूड क्वीन है ना वो। और पीछे से वो बोल रही है पैर आगे कर लो, वो पीछे कर रही है, बचपन से आदत है उल्टे चलने की, सीधे चलता ही नहीं है, और ऊपर से दूसरों को ज्ञान देती है दीदी, एटीट्यूड क्वीन। ये जो तेरा नालायक पति है जितने गंदे गंदे वीडियो तुमसे बनाते है, और तुम है बेशरम जो कैसे बनाती हो, तो पहले अपने आप को ढक ले क्योंकि दुनिया तुमको कितना थू अच्छी अच्छी करते। सही बात है, शायद अपने भाई की बात कर रही है। ये जो तेरा नालायक पति है जितने गंदे गंदे वीडियो तुमसे बनाते हो, तुम बेशरम जो कैसे बनाती हो, तो पहले अपने आप को ढक ले क्योंकि दुनिया तुमको कितना थू अच्छी अच्छी करते। ये सिमल सेमड़े के पूरे परिवार से ज्यादा टैलेंटेड हमारी आधी खजूर है, बस इसके घर वाले पता नहीं कि उसको बात बात से घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी बच्ची को तो भाई साहब मैं भी अपने घर से बाहर निकाल देता, इंजॉय करके तोड़ रही भाई वो उसके पापा का मोबाइल, पापा का मोबाइल, अरे मेरा इतना महंगा फोन तोड़ दिया, पैदा होते अपने माँ को खा गई, इतना महंगा मोबाइल, अबे गरीबी रेखा पे बैठे हुए बिच्छू सांप के गेम खेलने से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता उस मोबाइल में, महंगा मोबाइल। उस बच्ची की जगह मैं होता तो अगला जो मोबाइल खरीद के लाने वाला है ना वो भी फोड़ देता, और ऐसे ये है पापा का मोबाइल, आज तेरा मैं खिस्सा ही खत्म कर देता हूँ, जा निकल जा मेरे घर से, दोबारा मेरे घर में वापस मत आना। साउंड इफेक्ट ऐसे लगा जैसे बहुत सारा फर्नीचर बाहर फेंक दिया होगा, इतनी सी बच्ची है जरा सी ऐसे फेंक दोगे ना गिरेगी, आवाज तक नहीं करेगी। आहा, आहा, मम्मी मम्मी क्या करूँ इस रैप का, ठुमके लगाऊँ इस पे, आहा, आहा, मम्मी मम्मी बेटा अकेले
अकेले इस रोड पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? रोड पे अकेली बेचारी रैप कर रही थी, आह आह मम्मी मम्मी, तुमने कुर्ताल बिगाड़ दिया उसके आगे। और फिर दोस्तों ये आंटी इतनी खराब थी, गोल्ड डिगर थी, इनने उस बेचारी के पापा से शादी तक कर ली। बेटा ये देखो तुम्हारी नई मां। अबे ये क्या है भाई, ये हंस रही है, रो रही है, या मक्खियां मिनमिन आ रही है, या नया रैप लिख रही होगी टकलू रैपर, मुझे लगता है। मम्मी मम्मी तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना, तब तक मैं मार्केट से सब्जी लेकर आता हूँ। वाह भाई वाह, ये खुद की शादी से खाना खाए बिना आ गए, अब सब्जी लेने जा रहे हैं महाराज। जाओ जाओ सब्जी ले जाओ। बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? ये तो काम चोरी में पूरी की पूरी मेरे ऊपर गई है, पर इतना गिरा हुआ तो मैं भी नहीं हूँ। बेचारी वॉन्टी अभी अभी शादी करके आई है, थक गई है, थोड़ा सा झाड़ू पोछा क्या लगवा लिया, मम्मी बदलने चल दी वो। मम्मी अच्छी नहीं लग रही, मम्मी बदल दो। थोड़ा सा काम नहीं होता है, 24 घंटे रैप करेगी क्या? रुक जा अभी उसका एक और सगा बच्चा होने दे, फिर बदला लेगी वो तेरे से टकलू रे पर। भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, उल्टे काम तो करती है, रैपर बच्ची है, उधर बच्चा सो रहा है, आंटी मना कर रही है। अच्छा फेंक दिया इसको बाहर, और बाहर फेंको इसको, टकलू रैपर कहीं की आप कर बाहर। पर मेरा सवाल ये है कि जब इससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया तो ये हाँ हाँ करके जवाब किसको दे रही है? क्यों टकलू रैपर, अच्छा रेप कर रही होगी नया रेप। अरे ये बच्ची क्यों रो रही है? बेटा तुम रो क्यों रही हो? बेटा तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे यहाँ ना ढेर सारे खिलौने हैं, तुम खूब खेलना। अरे ओ मेरे भाई बाल मनोहर, खिलौने बाद में खरीद लेना, पहले जाके नाप की शर्ट खरीद ले, तेरे से पहले तेरा पेट पहुँच गया था बच्ची के पास तेरी शर्ट फाड़ के। ठीक है बेटा चलो, क्या मैंने सही किया कमेंट में जरूर बताएं। ना नक्को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं किया भाई, तूने गलत कर दिया। अब वो टकलू रैपर जो है ना वो तेरा जीना हराम कर देगी, और तू अगर सोच रहा है कि वो तेरे को फिरौती के पैसे देंगे, कद्दू ऑल द बेस्ट बोल देंगे कि झेलो, हम तो वैसे भी घर में बाहर निकाल देते थे इसको। बेटा जल्दी चलो, नानी के पास जाने में लेट हो जाएगा। कुछ नहीं बेटा, मुझे काटा चुभ गया। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हमारी टकलू रैपर सबसे अलग है, देखिए कहीं ऐसी बच्ची, माँ को डांट रही है वो, काटा कर गया तो चप्पल काहे नहीं पहनती हो? और एक तो ये लोग कर्सिव में क्यों बात करते हैं मुझे वो समझ नहीं आता। ठीक है माँ तुम रुको मैं जाती हूँ, अकेला छोड़ के चली गई बेचारी को। क्या हुआ बेटा? क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि तुमने आज नहाया नहीं है। क्यों का क्या मतलब है? गाड़ी गंदी है इसलिए धोनी है उसको, बात खत्म। एक तो बेचारी टकलू रैपर समाज सेवा करने निकली है, इनको फ्री में गाड़ी नहीं धुलवानी। अरे बाप रे, पैसे ले रही है तो बिजनेसमैन निकली टकली। ठीक है बेटा साफ कर दूं। ठीक है बेटा ले लो पैसे। अरे इतने से पैसे में क्या होगा, थोड़े से और दे दे, ये गाड़ी साफ करने के पैसे दिए या नई गाड़ी खरीदने के? माँ को गुच्ची की चप्पल पहनाएगी क्या वो जाके? गड्डियाँ दे रहे हैं भाई गाड़ी धोने के लिए, ये कैसा बिजनेस है भाई? कपड़ा ढूंढ लूँ क्या मैं भी एक आध? और अगर बेटी के प्यार के लिए लाइक नहीं कर सकते तो बेटी ने उस आदमी को जो चूना लगाया है उसके लिए लाइक कर दो, और फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी उसकी माँ के बारे में मत पूछना, उसको कांटा कड़ा था या गोली लगी थी जो इतनी देर तक वहीं पे बैठे हुई थी। बाकी तो दोस्तों मैं भी यहीं बैठा रह जाऊंगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और फेवरेट पार्ट कमेंट कर दी। बाकी हम मिलते अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी अपने घर कोई टकलू रैपर तो नहीं है वरना बाहर फेंक के आऊं उसको? क्या मतलब इस घर में मैं ही बाहर फेंकने लायक हूँ बस?